इस एरिया की सबसे पुरानी शॉप। लेकिन तुम्हें इस बंदे को जो है ना जैकेट दिलानी बढ़िया सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी, माशाल्लाह हम जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग मेफेयर की सैर कराएंगे, तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। तो बेलियो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी चाइना मॉल से मेफेयर की तरफ गामजन है। तो हरे भरे दरख्तों के दरमियान, वेट, ये जुमा मस्जिद है। हरे भरे दरख्तों के दरमियान, ओए हरे भरे कितो आए, सूखे सड़े दरख्तों के दरमियान में से गुजर रहे हैं। अच्छा। चलो अब थोड़ा सा गाड़ी को भिगा के लेके जाते हैं, क्योंकि भागना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये साउथ अफ्रीका का एक ऐसा रोबोट है जहां लोग और गाड़ियां उल्टी चलती हैं। लो जी, दिलों को थाम लें और अपने अपने मोबाइलों को और वॉलेट्स को अच्छी तरह छुपा दें, क्योंकि सरे या मोबाइल लेके आप तभी फिर सकते हैं अगर आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है या आपके पास खुला डुला पैसा है। दोस्तों ये वो जगह जहाँ छुपा हुआ खजाना ढूंढना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल यहाँ पे पार्किंग ढूंढना है। हम लोग ढूंढते चारों तरफ का रौन लगा के तो इधर आए। वो तेरी खैर भाई, यदा दरवाज़ा हमने भजन लगा साढ़े हथों। लो जी जनाब, आखिरकार करते ढूंढते हमें पार्किंग मिल ही गई। लो जी फाइनली थके टुटे भुखे पानिया ने गड्डी साइड ते लाई। लो जी यहाँ हमारी शहनशाही वॉक होती है। शहनशाही वॉक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस चीज़ को भी देखते हैं उसको खरीदने के तसव्वुर से देखते हैं कि हम ये चीज़ भी लेंगे, ये चीज़ भी लेंगे और एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। ये एक वाहद डे होगा मैंने कोकोनट वाटर नहीं पिया, क्योंकि वेदर बहुत कोल्ड था तो दिल ही नहीं किया, वरना ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ स्टॉल्स पे टोपियाँ, बेल्ट्स, जाए नमाजें, तस्बियाँ और वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे यहाँ मुटाना से नहीं मिलती। तो अगर हम यहाँ पे टर्न होते हैं तो यहाँ पे वेजिटेबल्स की शॉप, उबायाज, स्कार्फ्स, इतर और इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी है, तो हम जैसों को यहाँ पे बड़ा अच्छा फील होता है। जो चाहे हम देख सकते हैं, हाँ खरीद भी सकते हैं अगर पॉकेट में पैसे हों तो, क्या बात है, और जो दिल करे खा भी सकते हैं। ये देखे वो बाया कितने खूबसूरत हैं, बड़े खूबसूरत कलर्स हैं, लेडीज़ के लिए बड़ी अच्छी है यहाँ पे। ये एरिया मेफेयर कहलाता है। मेफेयर में स्टॉल्स वीकेंड पे ओपन होते हैं, जैसे फ्राइडे सैटरडे को, फ्राइडे को रश होता है, सारे स्टॉल्स ओपन होते हैं और हर तरह की चीज़ मिलती है। इनका तकरीबन 3 से 5 के लगभग रेंट होता है और वीकेंड्स पे इनका काम अच्छा होता है। और अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है और जो जगह हम कभी स्किप नहीं करते, और ये है वो जगह जहाँ से हमें गन्ने का जूस मिलता है। हाँ जी, गन्ने का जूस, असी देसी गन्नियां दी रो पीने वाले ते गंडेरियां चूसने वाले, सानू ये बड़ा पसंद है। मैंने गन्ने का जूस निकालने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने मुझे वार्मली वेलकम कहा, फिर मैं क्या पीछे हो जाओ, काढ़ लांगा मैं जूस। मुझे लगता है उन्होंने इसका एक एक फेरा और लगवाना है। तो एक दफ़ा उन्होंने ऐसे ही रख दिए मेरे सामने। खैर गन्ने का जूस पिया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं अपनी सेकंड फेवरेट प्लेस में जा रहा हूँ और वो है शालीमार स्वीट्स। तो ये है यहाँ की बेस्ट मिठाई शॉप शालीमार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये माइक पकड़े, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम भाई, ये कितने साल से आप ये इधर शॉप है? ये शॉप को हो गए तकरीबन 26 ईयर। 26 ईयर, माशाल्लाह, सबसे पुरानी मुझे लगता है ये शॉप है। जी जी, इस एरिया की सबसे पुरानी शॉप। तो आपकी मिठाइयों में क्या स्पेशलिटी है? सारी पाकिस्तानी स्वीट हमारे पास मिलेगी आपको। यहाँ आपको रस, बाकरखानी, बिस्किट
और तरह तरह के लवाजमात मिलेंगे, मिठाई की हर वैरायटी मिलेगी। ये देखें जलेबी, हनी, ऑयल, घर की सारी चीज़ें, निम्को वगैरह हर चीज़ मिलेगी यहाँ से। जी जी जी, इसी एरिया में। ये सेफ है ये? सेफ है काफ़ी हद तक। आमीन। आप ऐसे फील नहीं होता जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे तो ऐसे ही लगता है। यहाँ हमारी अपनी कम्युनिटी बहुत है, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली बहुत ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 25 फिर हमने वहाँ से कुछ चीजें भी ली। और ये दुल्हन की तरह सजी हुई शॉप, ये तुर्किश है। ये भी मेरी बहुत 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 फेवरेट प्लेस है। जब मेरा मूड बड़ा अच्छा होता है और मेरे पॉकेट में ज़रा थोड़े खुले पैसे होते हैं, फिर हम इधर आ खाना खाते हैं। इनका खाना ऑलवेज डिलीशियस होता है। यहाँ पे वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी मिलती है, हाथ वगैरह धोने की भी, और इसके पास बायों की शॉप है और ग्रोसरीज की शॉप है। आई वांट वन धनिया पुदीना। आई ब्रदर गिव मी वन धनिया वन पुदीना। पुदीना नहीं, पुदीना ना तो दस रन की धनिया की गट्ठी लेके हम आगे चल पड़े और आगे मुझे दो मेरे फैन भी मिले। हाउ आर यू? दिस इज माय ब्रदर्स, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब व्लॉग। आई सी ऑल ऑफ द टिकटॉक मिस्टर बिलाल, यू मस्ट आल्सो वॉच माय यूट्यूब व्लॉग्स। चूँकि हमारे तर्ज के खाने और हमारे तर्ज के मसाला जात हर जगह से नहीं अवेलेबल होते, और ये एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे आपको सारे मसाले, दालें, हमारी हर चीज़ हमारे मुताबिक यहाँ मिलती है। हम यहाँ पे कटिंग करवाने आते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में खाना मिलता है, तरह तरह की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, और इसलिए हम इस जगह पर आना बड़ा पसंद करते हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं, साड़ी हर चीज़, साढ़े रस्म व रवाज, सानू इतने आके बड़ा चंगा फील होता है, पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है। चूँकि इस टाइम यहाँ पे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, वरना शाम को यहाँ पे लक्ष्मी चौक बना होता है और सामने दही बल्ले, खीर और गोलगप्पों का स्टॉल। दही बल्ले देख के मेरे से नहीं रहा जाता, चाहे पेट जितना मर्जी फुल हुआ हो। तो मैंने एक प्लेट दही बल्लों की ली और उसको फिर मज़े मज़े से बैठ के खाया। हमारे इलाके शरपुर शरीफ में हीरे के दही बल्ले, ओहो, क्या याद आ गया मुझे, बड़ा खाते बचपन में, बड़े दही बल्ले खाए उनके। फिर वहाँ कुछ मुझे फैंस मिल गए। आपको पता है आपका भाई स्टार है, लेकिन कभी गुरूर नहीं किया। अच्छा, आप लोग किधर से? इंडिया। इंडिया से? और इधर रोडीपोर्ट में रहते हैं। सही, मैं समझा शायद आपका कुछ इधर स्टॉल वगैरह। सही, तो क्या काम है उधर? ब्यूटी सैलून का। जबरदस्त। आप मंडे को शॉप का स्टॉक और हाउस का स्टॉक मिलाते हैं, आपको उधर क्या है? हमारा मेरा तो सेलफोन का स्टोर है। वीडियोस देखते हैं ना टिकटॉक पे? चलो आप यूट्यूब पे भी देखिएगा वीडियोस, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा नाम, बिलाल व्लॉग साउथ अफ्रीका, तो वो आ जाएगा, उसमें मैं व्लॉग बना रहा हूँ अब। तो ये बड़े मज़े की जगह, यहाँ पे कोई काम नाम भी हो तो ऐसे ही बंदा आ जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह, यहाँ पे हर चीज़ खाने पीने की हवाले से और हर हवाले से मिलती है। बाय बाय कर दिया। यहाँ मेरी फ्रेंड ने एक इतर की प्राइस पूछी, उसने 150 बताया तो चुपचाप वापस रख दिया, क्योंकि यही हमने कुछ दिन पहले 50 का ख़रीदा था। लेकिन चलें, बिजनेस है, अल्लाह ताला उनके रिजक में भी बरकत दे, लेकिन साढ़े नाल चलाकियाँ असी नहीं आन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, मैं यूट्यूब व्लॉग बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वहाँ पे अक्सर भाई दोस्त ऐसे थे जो मुझे जानते थे और बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। लो जी, यहाँ पे टोपियाँ, ऐनके, परांदे, नाले, खडौने, हर चीज़ मिलेगी आपको।
ऐसी जगह पे वैसे ही घूमने का बड़ा मजा है, बंदा ना भी ले वो एक अलग बात है। और इस स्टॉल से मैंने दो दफ़ा बेल्ट खरीदी है 50-50 रेंट की, और अभी तक ठीक चल रही है। अल्लाह ताला ने जिस जिस का रोज़गार जहाँ जहाँ लगाया हुआ है वो वहाँ वहाँ बैठा हुआ है। दुनिया के हर कोने में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी रिज़क की तलाश में हर बंदा परदेश काट रहा है। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। कहाँ है हमारी गाड़ी? वो उस ट्रक के पीछे। तो दोस्तों एंड में हम आपको दिखाते हैं यहाँ की अल मशहूर यूनाइटेड बुचरी, जिससे कोई भी नावाकिफ नहीं है। उस दिन हम बड़े लकी थे कि हमें बैग पे इजीली पार्किंग मिल गई, वरना नॉर्मली ये फुल होता है। यहाँ हमने गाड़ी लगाई। हेलो एवरीवन, यहाँ भी लोग मुझे कुछ टिकटॉक के हवाले से जानते थे, उन्होंने मुझे अच्छी कंपनी दी और बड़ा मज़ा आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।